विधानसभा सीट बगोदर। बगोदर विधानसभा सीट गिरिडीह जिले का हिस्सा है। ये सीट कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के तहत आता है। 2005 के चुनाव में यहां से सीपीआईएम नेता विनोद कुमार सिंह ने जीत हासिल की थी। इसके अलावा 2009 के चुनाव में भी विनोद कुमार ने लगातार दूसरी जीत दर्ज की थी। तो 2014 के चुनाव में यहां से बीजेपी ने सीपीआईएम के किले को तोड़ दिया। बीजेपी कैंडिडेट नागेंद्र महतो ने जीत हासिल की थी। नागेंद्र महतो ने यहां से जीत हासिल कर बीजेपी का खाता खोल दिया। इस बार भी बगोदर में बीजेपी के नागेंद्र महतो और माले के विनोद कुमार सिंह में ही टक्कर होगी। अगर बगोदर विधानसभा सीट पर वोटरों की कुल संख्या पर नजर डालें तो 2014 के आंकड़े के मुताबिक यहां वोटरों की कुल आबादी 3,13,861 है। इनमें से पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,64,997 है तो महिला मतदाताओं की संख्या 1,48,864 है। 2014 के विधानसभा चुनाव में बगोदर सीट से बीजेपी कैंडिडेट नागेंद्र महतो ने जीत हासिल की थी। बीजेपी कैंडिडेट नागेंद्र महतो ने 74,898 वोट हासिल किया था। वहीं सीपीआईएमएल कैंडिडेट विनोद कुमार सिंह ने 70,559 वोट हासिल किया। इस तरह से नागेंद्र महतो ने विनोद कुमार सिंह को 4,339 वोटों से मात दे दी थी। वहीं जेवीएम कैंडिडेट मोहम्मद इकबाल 16,823 वोट देकर तीसरे स्थान पर रहे। वहीं 2009 के विधानसभा चुनाव में बगोदर सीट से सीपीआईएमएल कैंडिडेट विनोद कुमार सिंह ने जीत हासिल की थी। सीपीआईएमएल कैंडिडेट विनोद कुमार सिंह ने 54,436 वोट हासिल किया था तो जेवीएम कैंडिडेट नागेंद्र महतो को 47,718 वोट ही मिले। इस तरह से विनोद कुमार सिंह ने नागेंद्र महतो को 6,718 वोटों से मात दे दी। वहीं आरजेडी कैंडिडेट गौतम सागर राणा 13,499 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे। वहीं 2005 के विधानसभा चुनाव में बगोदर सीट से सीपीआईएमएल कैंडिडेट विनोद कुमार सिंह ने जीत हासिल की थी। सीपीआईएमएल कैंडिडेट विनोद कुमार सिंह को 68,752 वोट हासिल किए थे तो जेएमएम कैंडिडेट नागेंद्र महतो को 44,272 वोट हासिल कर पाए थे। इस तरह से विनोद कुमार सिंह ने नागेंद्र महतो को 24,480 वोट के मार्जिन से मात दे दी थी। वहीं जेडीयू कैंडिडेट खड़गधारी नारायण सिंह ने 6,325 वोट लेकर तीसरा स्थान हासिल किया था। बगोदर में एक बार फिर आमने सामने होंगे नागेंद्र महतो और विनोद सिंह। बीजेपी ने एक बार फिर नागेंद्र महतो पर भरोसा जताया है तो माले ने भी विनोद कुमार सिंह को एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा है। नागेंद्र महतो ने माले के विनोद सिंह से 2014 के चुनाव में ये सीट छीन ली थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार बाजी किसके हाथ में आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।